हे गाइस, माय सेल्फ अजीत जैन। आज हम बात करने आ रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर्स के बारे में। जो आप चार्ट स्क्रीन पर देख रहे हो वो डेली चार्ट है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है, और आने वाले टाइम में आपको क्या लेवल्स देखने को मिल सकती है, इसका डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो को। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हो वो कैंडलस्टिक चार्ट है, और वो जिस टाइम फ्रेम पर मैं चार्ट देख रहा हूँ वो डेली टाइम फ्रेम पर है। आप जो फरवरी से लेके और आप अभी तक जो अक्टूबर का जो अब तक जो अपने ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं उसमें आप एक चार्ट देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक ही रेंज बाउंड में घूम रहा है शेयर। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी, फिर ऊपर जाएगा फिर वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इस रेंज बाउंड में शेयर घूम रहा है काफ़ी टाइम से। क्या यहाँ पर किस लेवल पर आपको बाइंग करनी चाहिए, क्या सेलिंग, कब आपको सेलिंग करना चाहिए, उस बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जो आप जो करेंटली जो जिस प्राइस पे भी शेयर ट्रेड कर रहा है वो 168 पर है। देखो, आपको जो अभी सपोर्ट जोन है, जो आपका फर्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा वो 166 से लेके 168, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन की बात करें तो यहाँ पर रिसेंटली जो जुलाई का मंथ है वहाँ से ब्रेक हुआ है, लेकिन जिसका नीचे की तरफ जिसका जो सेकंड सपोर्ट जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 159 से लेके 157। ये आपका सेकंड सपोर्ट जोन है। जो आपका थर्ड सपोर्ट जोन है वो 150 से लेके 148। ये आपका तीन मैंने आपको सपोर्ट जोन बता दिए। अब देखो, ये एक बिग कैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये एक एक्सेप्शन डे है जिसको 4 जून को जो इलेक्शन रिजल्ट आए थे इसके वजह से एक बिग कैंडल फॉर्म हुई थी। लेकिन देखा जाए उस दिन भी शेयर ने जो उस दिन इंटर डे में तो इसको ब्रेक किया था, लेकिन आज का क्लोजिंग देखोगे तो इसके ऊपर ही सपोर्ट सपोर्ट लेवल पर क्लोज हुआ। तो उसकी आप इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हो कि इलेक्शन डे वाले दिन ये सपोर्ट इंटर डे में तो ब्रेक हुआ, लेकिन जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर ही क्लोज हुई। आप देख पाओ तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सेकेंड सपोर्ट लिया है। नो डाउट इंटर डे में एक्सेप्शन डे है, इसको इग्नोर करें तो देखा जाए तो एक भी दिन अभी तक 150 से नीचे जो शेयर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वो क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा है, ठीक है। जो आपको मैंने आपको सेकंड सपोर्ट जोन बताया था वो आपका बताया था 158 से लेके 160, जो आपका सेकंड सपोर्ट जोन है, ठीक है। जो करेंटली जो सपोर्ट जोन है जो आपका S1 वो ट्रेड हो रहा है अभी 166 से लेके 168, ये आपका करेंट का सपोर्ट जोन है। इसको ब्रेक करेगा तो आपका ये सेकेंड सपोर्ट पर आएगा, और चार्ट को तुम फरवरी से देखा जाए तो एक साइडवेज मूव में घूम रहा है। तो साइडवेज, तो आप उस साइडवेज पे आप देखो तो आपका क्या रेजिस्टेंस लेवल निकलता है उसका डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 174 से लेके 175, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। जो आपका सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगा 183 से लेके 185, जो आपका सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये दोनों लेवल को ब्रेक करेगा तो शेयर्स में एक ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा, तब न्यू हाइस के लिए शेयर रेडी होगा। लेकिन अभी जो इज़राइल का और ईरान का जो अभी चल रहा है तनाव, उसको लेके क्रूड ऑयल में जो तेज़ी बनी हुई है, जो गिरावट के बाद जो तेज़ी आई है, वो तेज़ी क्या है, वो एक न्यूज़ बेस्ड तेज़ी है। अभी ये इज़राइल और हमास का जो शांत हो जाएगा, जो प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पर एक क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिलेगी। तब इन कंपनियों में ऑयल जो इंडियन ऑयल को कॉरपोरेशन में क्रूड ऑयल गिरने से बेनिफिट मिलेगा, तब एक यहाँ पे एक पुल बैक आएगा यहाँ पे, ठीक। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या है, ठीक है। आप उन लेवल को नोट कर लीजिएगा। जो आप वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में अभी जो तीन कंटिन्यूसली सेशन दिखाए थे, तो बस सेलिंग की तरफ वॉल्यूम ज़्यादा है, सब लोग सेल कर रहे हैं। देखो आप 3 दिन के अंदर 181 से लेके देखो 168 तक आ गया, बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है, ठीक है। और ADX इंडिकेटर की बात करें जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है, जो ब्लैक लाइन है वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ बता रहा है। 16 या 25 से वो होती है तो स्ट्रांग ट्रेंड माना जाता है, लेकिन डाउन ट्रेंड में शेयर, जब डाउन ट्रेंड में शेयर होता है तो आप ये रेड लाइन देख रहे हो वो ऊपर जाएगी और ग्रीन लाइन नीचे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रेड लाइन के ऊपर के आने का मतलब है कि प्राइस में गिरावट आ रही है, ठीक है, ठीक है। और RSI की तरफ देखा जाए तो 43 है, ये बाइंग बाइंग का सिग्नल दे ही नहीं रहा है, ये सेलिंग सिग्नल है, ठीक। मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि सेल करने की, बस मैं आपको MACD को बताऊँ तो यहाँ पर भी MACD की भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है टोटली देखा जाए तो। आई एम नॉट रिकमेंड दिस स्टॉक, दिस वीडियो इज ऑनली फॉर एजुकेशन पर्पज, आई एम नॉट अ सेवी पर्सन।
किसी भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, तभी आप निवेश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।